अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति भटनागर है और आज हम एक बहुत ही संजीदा विषय में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जिसने सारे संसार में हड़कंप मचा रखा है। हमास ने दो दिन पहले अटैक किया है इसराइल पर, तो हम इस विषय को अच्छे से जानते हैं कि हमास कौन है, हमारे इंडिया का इस चीज़ को लेके क्या रिएक्शन आया है अभी, जो कि एक बहुत बड़ा स्टैंड अपने आप में बोला जा सकता है। तो हमास का अगर हम देखें तो हमास यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप आप देख सकते हैं, यहाँ पे रूल करते हैं और इन्होंने इसराइल पे हमला किया है। इसराइल जो कि 1948 में पैलेस्टीन से अलग किया गया था, 1948 में। और आप देख सकते हैं ये जो अटैक किया गया है, किस तरह की क्षति लोगों को पहुंचाई गई है, इसकी जो तस्वीरें हैं बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। एक आम आदमी को, उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से क्षति पहुंचाई गई है, ध्वस्त किया गया है, और एक तरह से छोटे बच्चों सबको, एक जो कॉमन सिटीजन्स हैं उन्हें बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई गई है, जो कि एक अपने आप में निंदा करने वाला इशू है। तो इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है इस मुद्दे में? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ट्विटर पे दो दिन पहले ट्वीट किया दैट ही इज़ डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इसराइल। आर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद इसराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। दिस स्टेटमेंट इज़ अ चेंजिंग वन। इंडिया का ये बहुत जल्द आने वाला रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि एक स्तर पर हम जो ग्लोबल लेवल में टेररिज्म चल रहा है उसको, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए स्टेप आगे बढ़ाने की मांग भी साथ साथ में हमें नज़र आती है। ये बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है, ये डायरेक्ट हमें बताता है कि इंडिया के रिलेशन जो हैं वो इसराइल के साथ सुधर रहे हैं। अगर हम इस क्राइसिस में ये जो स्टेटमेंट आई है इसको देखें और इंडिया इसराइल रिलेशनशिप को देखें, इसको एनालाइज करें, तो हम देखते हैं कि इंडिया जो इसराइल के साथ रिलेशन डेवलप करता है वो 1992 में, जबकि इसराइल बना था 1948 में। पर जब वो 1948 में बना तो जो हमारे लीडर्स थे उस समय के, जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, वो थोड़े से इस चीज़ को लेके कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ रखें, इसको लेके वो थोड़े संकोच में थे, क्योंकि इसराइल जो है खुद रिलीजन के बेस पे, ज़ियोनिज्म के बेस पे बना हुआ स्टेट था, और इंडिया ने तभी रिसेंटली पार्टीशन देखा था रिलीजन के ही स्तर पे। तो इसलिए जो भारत था उस समय का, वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि डिप्लोमेटिक रिलेशन हमें नहीं सेट करना, और काफ़ी समय तक देखें तो हमारे इसराइल के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हम देख सकते हैं नहीं थे। बार बार जब यूएनजीए में वोट किया जाता था तो इंडिया इसराइल के अगेंस्ट वोट करता था, किस लिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसराइल को जो है सजा सुनाई जाए, वार क्राइम जो है उसके खिलाफ डिक्लेयर किए जाए या नहीं, इंडिया हमेशा उसके अगेंस्ट ही वोट करता था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हम थोड़े से सेंसिटिव थे पैलेस्टीनियन कॉज को लेके, हम समझते थे कि पैलेस्टीनियंस के साथ गलत हुआ है, तो हमारी राय ज़्यादातर इसराइल के खिलाफ ही खड़ी होती थी। धीरे धीरे रिलेशनशिप, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सेटअप हुए वो 1992 से, जब इसराइल हमारा डिफेंस पार्टनर बना, ट्रेड रिलेशन स्टार्ट हुए, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स ऑफिशियल स्टार्ट हुई। साथ ही साथ थोड़े ही समय में हम देखते हैं कि इसराइल हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन जाता है डिफेंस में, और फिर चीज़ें आगे चलती हैं। हम देखते हैं कि इंडिया के जो रिलेशंस हैं धीरे धीरे इसराइल के साथ सुधर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा टर्न आता है जब 2014 में सरकार बदलती है इंडिया में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सेलेक्ट होकर आते हैं, और ये एक नए सिरे से कहते हैं शुरुआत करनी है, और इंडिया इसराइल रिलेशनशिप को एक फ्रेंडली टर्न देते हैं, एक रिलेशनशिप को एक फ्रेंडली कहते हैं कि जो भी हुआ पास में उसे भूल के हम एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। इसके तहत अगर हम देखें तो यूएनजीए में अब जब भी वोट करना होता था इंडिया रोक देता था, अपने आप को उसमें हिस्सेदारी ही नहीं करता था कि यूएनजीए में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसराइल की वॉर क्राइम डिक्लेयर करना चाहिए नहीं, हमेशा इंडिया ने उस चीज़ को 2015-2016 में देखा तो अपने आप को रोका। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो इस रिलेशनशिप में अचीवमेंट कह सकते हैं वो ये थी कि 2017 में भारत के प्रधानमंत्री खुद इसराइल को विजिट करने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री बने। चीज़ें और सुधरी जब हमारे जो रिलेशन हैं वो टूरिज्म, डिफेंस, ट्रेड, अलग अलग चीज़ों में फैल गए, और अभी अगर हम स्थिति देखें तो इंडिया इसराइल के अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। साथ ही साथ इंडिया के जो इसराइल का अच्छा एलाई है यूएस, उनके साथ भी हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, तो हम ग्लोबल लेवल पे अपनी जो पहचान है वो दूसरों के साथ एक सराहनीय तौर पे सामने ला रहे हैं, और जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं उनमें हम अपनी संजीदगी दिखा रहे हैं कि हम अपना स्टैंड कहाँ देते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का ये ट्वीट करना और अपना स्टैंड बिल्कुल क्लैरिफाई करना कि हम इस मुद्दे को
एक तरह से इसको बिल्कुल टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे, अपने आप में कमेंडेबल स्टेप है। साथ ही साथ ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि ये कोई इमोशनली लिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है, इमोशनली दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है, सोचा समझा मूव है। क्यों? क्योंकि भारत के बहुत सारे नागरिक जाके इसराइल में बसे हुए हैं, हमें हमारी सरकार को उनकी भी चिंता है कि उन्हें सेफ रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इंडिया ने भी अभी कुछ रीसेंट पास में ही मुंबई अटैक्स वगैरह ऐसे काफ़ी सारे टेररिस्ट अटैक हम लोगों ने खुद भी झेले हैं, तो इस चीज़ को लेके हम खुद भी समझ सकते हैं कि कितनी क्षति लोगों को पहुँचती है, कितनी क्षति पूरे देश को पहुँचती है। तो इस चीज़ को लेके हम और संजीदा हैं कि ये चीज़ टेररिज्म आगे प्रमोट नहीं होना चाहिए। हर एक लेवल पे हम ट्राई करते हैं कि हम टेररिज्म जहाँ भी हो रहा है उसे कंडेम करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी का ये ट्वीट करना और उसके साथ ही उस ट्वीट के एकदम बाद ही जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है, तो एक इंडिया का पॉजिटिव सॉलिड स्टैंड देश भर के आगे, दुनिया भर के आगे सामने जाता है कि इंडिया किस डायरेक्शन में डेवलपमेंट को आगे, प्रोग्रेस को पूरे विश्व को देखता है कि हम आगे पीस और प्रोग्रेस की तरफ चलेंगे। तो ये सारे मुद्दे में अभी तक इतना ही, इसके आगे कोई डेवलपमेंट होती है तो वो एक नया मोड़ होगा इंडिया इसराइल रिलेशनशिप में आगे। तो आपको देश भर की दुनिया के लिए जानने के लिए थैंक यू, नमस्कार। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।